हाँ दोस्तों, राजवंश सिंह मोहाली प्रॉपर्टी गुरुकुल में आपका स्वागत। और आज का जो सवाल है वो ये है कि क्या हम 10 लाख रुपए के साथ प्रॉपर्टी का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, इस बात को लेके मैंने बहुत वीडियोस दी हैं कि 10 लाख रुपए बहुत बड़ी अमाउंट है। यदि आप बिना पैसे के भी रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू करना चाहो तो हो सकता है। फिर भी 10 लाख का आपने पूछा है कि 10 लाख रुपए में रियल एस्टेट का बिजनेस शुरू हो सकता है। दोस्तों, चंडीगढ़ जैसे बड़े शहरों में तो नहीं हो सकता, या जयपुर जैसे बड़े शहरों में नहीं हो सकता, बॉम्बे, कलकत्ता, पुणे में तो नहीं हो सकता, लेकिन जो छोटे छोटे शहर के आसपास में छोटे छोटे शहर हैं वहाँ पर 10 लाख रुपये की कोई ना कोई आपको ऐसी प्रॉपर्टी मिल सकती है जिसको आप कुछ देर के बाद उसमें से आप प्रॉफिट निकाल सकते हो। जैसे मैंने राजस्थान में कोटा के पास 12 जिला है, 12 के पास अट्रू तहसील है, अट्रू तहसील में 10 लाख रुपए के साथ एक डील ली थी और बहुत अच्छी डील रही वो। मतलब उसको ठीक करना पड़ा, रास्ते वगैरह ठीक करके ठीक हो गया, उसमें अच्छा प्रॉफिट मिल गया। सो ये यदि आपने रियल एस्टेट एजेंट का काम करना है तो 10 लाख की भी ज़रूरत नहीं है। यदि आपने इन्वेस्टर के तौर पर करना है तो बड़े मेट्रो सिटीज़ हैं उसमें नहीं कर सकते, उनमें नहीं कर सकते, लेकिन उसके पास जो छोटे शहर हैं उनमें आप कर सकते हो। 10 लाख रुपया पंजाब के लिए या मतलब चंडीगढ़ के लिए छोटी अमाउंट हो सकती है, लेकिन जब हम एमपी में जाते हैं, उड़ीसा में जाते हैं और राजस्थान में जाते हैं तो जो छोटे शहर हैं उनमें 10 लाख में कोई ना कोई अच्छी प्रॉपर्टी आपको मिल सकती है। सो बिजनेस किया जा सकता है, मेरी आपको हाँ है। थैंक यू वेरी मच।